हाय गाइस, स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सैन को, जो एक न्यूज रिपोर्टर होता है। उसका स्क्रिप्ट राइटर आके बोलता है कि सो सॉरी सर, हमने आपको आधी स्क्रिप्ट दी थी लेकिन आपने पूरी कंप्लीट कर डाली, बहुत अच्छे से मैनेज किया आपने। तो बोलता है कि कोई नहीं, बट इसके अंदर का जो आवाज़ होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इन लोगों से। बोलता है एक साले, कब तक तुम लोग मुझे आधी स्क्रिप्ट दोगे एंड मुझे पूरी शो मैनेज करना पड़ेगा खुद के दम पे, कभी तो टाइम पे दे दिया करो। तो इसका दो पर्सनालिटी होता है, मतलब ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर सबके साथ ही अच्छा बनता है, बट इनर साइड ये उनको क्रिटिसाइज़ करता है, गुस्सा करता है, बट दिखाता नहीं है। न्यूज़ चैनल का जो प्रोड्यूसर होता है उसे वो बुलाता है एंड उसे बताता है कि तुम्हें एक फेमस एनिमेटर का इंटरव्यू लेना है एंड वो हमारे चैनल के लिए भी एक एनिमेशन तैयार कर रहा, तो तुम्हें ओवरऑल वो कैसे काम कर रहा, एवरीथिंग रिलेटेड टू हिज लाइफ, यू हैव टू डू ए इंटरव्यू। तो बोलता है कि ठीक है, एंड वो भी बताता है कि अगर वो ये इंटरव्यू अच्छे से गया तो उसका प्रमोशन हो सकता है लाइव शो के लिए, उसको लाइव शो होस्ट बनने का उसका ख्वाब होता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड बोलता है, सोचता है कि साले इतने दिन से मैं कमर तोड़ मेहनत कर रहा फिर भी तुम लोग प्रमोशन नहीं दिए। ये सोचता है कि अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो ये पोजिशन में ले के रहूँगा, बच्चा कितना हार्ड वर्किंग है ना। सो ये अपने लाइफ के बारे में हमें बताता है कि ये एक न्यूज़ रिपोर्टर है जिसे बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग हेट भी करते हैं, बट रियल लाइफ में ये अकेला है। रियल लाइफ में ये कभी कभी नाइट वॉक पे जाता है मास्क पहन के, क्योंकि लोग इसे पहचान ना ले। रेस्टोरेंट में चेकआउट करता है खाने के लिए, क्योंकि ये खाने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन होता है लाइक मी। अच्छा, कमेंट करके बताना कौन कौन फूडी है, मैं तो पहले हूँ, लेकिन मैं खाती हूँ लेकिन मेरा वेट बढ़ता नहीं है। तो कुछ वेट बढ़ने का ट्रिक है तो मुझे पक्का कमेंट सेक्शन में बताना। सो जैसे कि ये हर जगह जाके चेकआउट करता है, फूड पार्सल लाके घर पे खाता है। सो ये चेकआउट करता है कि कल किसका इंटरव्यू लेने वाला है, तो उसका नाम होता है सुजुकी, जो एक फेमस एनिमेटर होता है। उसका एक वीडियो कुछ 10 मिलियन व्यूज आया था एंड उसके प्रोफाइल में लिख के रहता है कि वो एक गे है। ये सोचता है कि मम्मी यहाँ ये तो गे है, मतलब मुझे इससे दूर रहना चाहिए। फिर वो नेक्स्ट डे रेडी सेडी होके अपने टीम मेंबर्स के साथ उसके घर जाते हैं। वो बंदा आराम से डोर खोलता है, बोलता है, तभी वो सो के उठा होता है, बोलता है कि ओ माय गॉड मुझे तो याद ही नहीं था। ये गुस्से से बोलता है कि साले हम तुझे इन्फॉर्म करे थे कॉल करके, फिर भी तू हमें झूठ बोल रहा। तो बोलता है कि ठीक है, आप लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं, मैं फ्रेश अप हो लेता हूँ जब तक। तो ये अपने को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम सैन है, मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। तो ये बोलता है जो भी हो बच्चे जल्दी ले ले, मेरा टाइम वेस्ट मत कर, सो कॉल नौटंकी इंटरव्यू के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बोलता है नौटंकी तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने, सोचता है, बोल नहीं सकता, बोली ना, इसका पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, सबके सामने अच्छा बनता है अंदर बुरा बनता है। ये उसे पूछता है कि भाई तू इतना काम करता है तू असिस्टेंट क्यों नहीं रख लेता। तो बोलता है कि मेरे को अकेले काम करना पसंद है और मेरे असिस्टेंट टिकते भी नहीं ज़्यादा टाइम तक। तो बोलता है कई को टिकेंगे, तेरे जैसे खड़ूस इंसान, सो कॉल घमंडी इंसान के पास कोई नहीं टिकेगा, तेरे लाइफ में तू अकेला ही मरेगा, तू देख लियो। तभी उसका टीम मेंबर आके उस सुजुकी को पूछता है कि सर आपका स्टूडियो को हम लोग थोड़ा फुटेज लेना है, हम लोग ले सकते। तो बोलता है कि हाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे स्टूडियो में उतनी कुछ खास चीज़ नहीं है जो टीवी पे दिख जाएगी तो लीक हो जाएगी। तो ये सोचता है कि ये बंदा एटलीस्ट हमारे साथ यू नो कोप अप तो कर रहा, डिनाई तो नहीं कर रहा, नहीं तो लोग क्या बोलते कि मेरे चीज़ों के साथ छेड़छाड़ मत करो, स्पेशली जो एनिमेटर होते हैं राइटर होते हैं। तभी क्या होता है जी, इसका पीए टेबल से टकरा जाता है जिससे इसके कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। पीए बहुत डर जाता है, बोलता है कि सो सॉरी मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सैन उसको बोलता है कि कोई नहीं तुम ठीक तो हो ना। तो बोलता है सर आपकी चीज़ें डैमेज हो गई। तो बोलता है नहीं चीज़ें क्या हैं, उससे कुछ नहीं होता, तुम ठीक रहना। तो ये जब उसको देखता है कि इतना पोलाइट है, अपने काम जो भी उसके साथ काम करते ये बहुत अच्छा इंसान है, तो इसको अच्छा लगता है कि इसको बुरा लगता है कि साला मैंने इसके साथ रूड बिहेव किया। फिर जैसे कि आज सो कॉल जस्ट फुटेज लेना था, कल से इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था। तो ये खाना लेके जा रहा होता है तभी से मैसेज आता है, मैसेज चेक करने के टाइम पे ये रोड क्रॉस करने के टाइम पे
रेड सिग्नल चेकआउट नहीं करता, तभी एक बाइक वाला आता है एंड ये एक्सीडेंट करते करते बच जाता है। साला उसका जो बाइक वाला होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, साइकिल, ओके बाइक क्या बोलते। तो ये अपने खाने को देखता है कि मेरा खाना तो ठीक है ना, वहाँ पे बंदा मर रहा है, इसको खाने की बड़ी है। तो बोलता है कि साले मैं यहाँ पे गिर गया, मरने वाला हूँ, तू अपने खाने को चेकआउट कर रहा है कि वो ठीक है कि नहीं। उसके पास जाके उसका हाथ पकड़ता है, टक्कर मारता है। एंड जब ये टर्न होता है, देखता है कि वो तो सुजुकी है, एंड बोलता है कि पहले मेरे हाथ में चोट लगा एक्सीडेंट के बाद, तूने फिर उससे टक्कर मार के और ज़्यादा हर्ट कर दिया। तो बोलता है कि ओ माई गॉड, ये मुझे पहचाना तो नहीं ना। तो फिर सोचता है कि ना ना, मैंने मास्क पहना है, सो कॉल्ड, ये मुझे पहचान ही नहीं सकता। तो बोलता है कि अभी तू मेरे को घर छोड़ेगा, मेरे साइकिल उठा, चल मुझे घर छोड़। तो बोलता है कि काई का घर छोड़ना, मैं तुम्हें पे कर देता हूँ, तुम्हारा जो हाथ पे लगा, तुम्हारा पैर टूटा, जो भी है मुझे बोल दो, पे कर देता हूँ। तो बोलता है तुझे इतना भी मैनर्स नहीं है सॉरी बोलना, तू बोल रहा पे करेगा मुझे, बेशरम इंसान कहीं का। पहली बात तो तू रेड सिग्नल पे क्रॉस कैसे कर रोड। तो बोला मेरी गलती नहीं है, यहाँ पे सीसी कैमरा है, कोई विटनेस नहीं है ना, तो तुम प्रूफ नहीं कर सकते कि मेरी गलती है, और मैं ग्रीन सिग्नल था तभी मैंने क्रॉस किया। ये सोचता है कि ओ माय गॉड, ये कितना कमीना इंसान है। इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड ये गुस्से में उसके आगे बढ़ता है, जैसे कि उसे मार ही डालेगा, एंड उसे वो एक पंच देता है। बोलता है कि मैनरलेस फेलो, अभी तुझे मैनर्स आएगा। एंड गलती से जो उसका हाथ लग के रहता है उसी से मारता है, जिससे इसका हाथ और ज़्यादा हर्ट हो जाता है। बोलता है कि तूने इंटेंशनली फिर मुझे वही हाथ से मारने पे मजबूर किया, मतलब तूने 3 बार मेरे हाथ को हर्ट किया। तो बोलता है मेरी गलती है, तुमने मुझे मारा है, मुझे भी हर्ट हुआ है। तो बोलता है कि अभी मेरा दूसरा हाथ ठीक है बेटा, सीधा साइकिल उठा, घर तक छोड़, नहीं तो दूसरे हाथ से ऐसा पंच दूंगा ना, इधर ही गिर जाएगा तू। तो बेचारा डर जाता है। देन वो बोलता है ठीक है, तो वो उसे घर छोड़ने जाता है। तो उसे पूछता है कि भाई जो तू खाना लिया है सोकल यही रेस्टोरेंट से है ना। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है कि वहाँ पे शुगर और सोया सॉस की रेशियो उन लोग चेंज कर दी है, लेकिन खाना टेस्टी रहता है। बोलता है हाँ। तो बोलता है तुझे खाने की बहुत क्या बोलते हैं, तू खाने का बहुत शौकीन है ना। तो बोलता है हाँ मुझे खाना बहुत पसंद है, चेकआउट करना दूसरे रेस्टोरेंट। तो बोलता है कि हाँ वो तो मालूम पड़ ही गया, जब मैं वहाँ पे मर रहा था तो साले अपना खाना चेकआउट कर रहा था। तो बोलता है कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के पास एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो बोलता है कि सच्ची, मैं जाके वहाँ पे चेकआउट ज़रूर करूँगा। ऐसे इन लोग बात करते करते घर पहुँचते हैं। फिर सैन उसके हाथों को पट्टी करता है एंड बोलता है कि चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि भाई कैसा अजीब इंसान है, तुझे जानना नहीं है कि मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। तो ये सोचता है कि साले तेरे बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। तो ये बोलता है कि ये सोच रहा था पहले, ओके अब बोल रहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जो तू जो भी काम करता है या है, तेरा जो भी नाम है। तो बोलता है कि बच्चे अभी तुझे इंटरेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि मैं एक एनिमेटर हूँ और मैं एक न्यूज़ एक बड़ा सा न्यूज़ चैनल है उसका मैं एक प्रोजेक्ट लिया हूँ। अगर वो प्रोजेक्ट ऑन टाइम मैंने उनको कंप्लीट करके नहीं दिया तो मुझे ब्लैक लिस्ट कर देंगे, तो जो भी मेरा इज्जत है ना उसका फॉलोदा हो जाएगा। तो तुझे अपने लाइफ के 2 घंटे देने पड़ेंगे, एटलीस्ट 1 वीक तक तुझे आके 2 घंटे मेरे को हेल्प करना पड़ेगा। तो बोलता है कि मैं नहीं करूँगा, तुम्हें सो कॉल जो भी नुकसान हुआ है उसके पैसे बोल दो, मैं दे दूँगा। तो बोलता है कैसा इंसान है, पैसे पैसे तेरे लाइफ में बहुत पैसे है क्या, तेरे बाप बहुत कमाता है क्या। तो बोलता है मेरा बाप नहीं कमाता, मैं हार्डवर्क करता हूँ, पूरे पैसे मैं कमाता हूँ, और बाय द वे मैं उतने हार्डवर्क करके पैसे कमाता हूँ, तो मैं क्यों ना घमंड करूँ अपने पैसे पे। मेरे को काम नहीं आता वो एनिमेशन सो कॉल, तो इसलिए मैं तुम्हें पे करना चाहता था, तुम इसको गलत वे में क्यों ले रहे। तो वो बोलता है कि पप्पा तू तो बहुत ही अच्छा स्पीच देता है बे, सो सॉरी मैं तुझे हर्ट करा तो ठीक है, अगर तुझे हेल्प नहीं करना तो मत कर, कोई नहीं थोड़ा बहुत इज्जत का फालूदा होगा, लेट काम उनको पहुँचेगा तो एनी, और मुझे तेरे पैसे भी नहीं चाहिए, तो तू यहाँ से जा सकता है। तो वो जा ही रहा होता है, फिर भी वो बोलता है तू सोच ले, अगर तेरे को थोड़ा भी हो कि तू मेरे को हेल्प कर सकता है तो कल आ जाइयो। तो बोलता है कि मैं नहीं आऊँगा। तो बोलता है ठीक है ठीक है। तो बोलता है मैं नहीं आऊँगा, तुम देख लियो। तो बोलता है हाँ मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तू आएगा बोल के। फिर वो वहाँ से चले जाता है। सो ये था पार्ट 1।
इसका मैं कुछ 3-4 पार्ट्स बनाऊंगी, कल तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे कि ये एनिमे है, उसके बाद मैं कॉमिक एक्सप्लेन करूंगी। तुम लोग मेरे एनिमे भी बहुत पसंद कर रहे, कॉमिक्स भी एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे, तो इसके बाद वन ऑफ माई फेवरेट कॉमिक मैं एक्सप्लेन करूंगी। आई ला मैं यहाँ पे कॉमिक की बात करी, इट्स नॉट लाइक कि दिस स्टोरी इज़ नॉट गुड। यार मैं हर एक स्टोरी रेटिंग देख के, उसकी रिव्यूज़ पढ़ के, बहुत रिसर्च करने के बाद ही अपलोड करती हूँ। मतलब मेरी कोई भी स्टोरी चेकआउट कर लो, तुम बोल दो कि अच्छा नहीं है, मैं ऑन द स्पॉट वो डिलीट कर दूँगी। ऐसा बोल रही लेकिन करूँगी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है तुम लोग को मेरी पूरी वीडियोज़ पसंद है। सो जल्दी से यार इसको यू नो कम्प्लीट करते हैं, 3 या 4 पार्ट में, फिर वो कॉमिक स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। उसका टोटल 83 एपिसोड्स है मालूम, तो ऑब्वियसली उसको मैं पार्ट्स में बनाऊंगी। तो आई होप तुम लोग भी एक्साइटेड हो दोनों के लिए, इसके लिए भी उसके लिए भी, क्योंकि दोनों धांसू हैं, ठीक है। तो एक्साइटमेंट है तो दिखाओ ना, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे तुम्हें मालूम तो पड़े वीडियो कब आ रहा। और अब से मैं डेली वीडियो डालूंगी, ठीक है। मैं नाइट शिफ्ट काम करती हूँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन चलेगा यार, मुझे भी मज़ा आता है करने में, तुम्हें मज़ा आता है सुनने में। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। बस सपोर्ट क्या दे रहे मालूम, 80% लोग आते हैं देखते हैं एंड सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, व्हाट अ सपोर्ट। तो सपोर्ट करो यार। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।